तो गाइस मैं हूं अंकित तो और आप देख रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू फैस नेटवर्क तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू की एक चैंपियनशिप हो चुकी है चोरी कौन सी चैंपियनशिप ये चोरी हो चुकी है कौन सी चैंपियनशिप गुम हो चुकी है वो जानेंगे हम लोग वीडियो के अंदर साथ में हम लोग बात करने वाले हैं स्मैकडाउन की व्यवरशिप के बारे में विंस मेकमैन के हॉल ऑफ फेम के स्टेटस को लेकर अपडेट है और भी चीजें हैं वीडियो के अंदर तो वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल एंड तक लाइक कर देना साथ में कर देना वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब आने वाले टाइम में ऐसे ही डब्ल्यू डब्ल्यू अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टॉर्ट ट्विटर दोनों पे दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले हम लोग अपनी बातों को शुरू कर लेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की से Smackdown की स्मैकडाउनशिप डाउन हुई है बट सही है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बताता हूं एक अच्छा एपिसोड था स्मैकडाउन का मेरे हिसाब से काफी अच्छा एपिसोड था जॉन सीना पियर हुए थे एंडिंग में मज़ा आ गया था लोगों को देख के एक्साइटमेंट बनाने वाला ये एपिसोड था ऐसे में जो लास्ट वीक की व्यवरशि रही थी भाई वो थी टू मिलियन कुछ ये ओवरनाइट मैं आपको बता रहा हूं फाइनल नंबर तो टू मिलियन प्लस चले गए थे लेकिन ओवरनाइट जो नंबर्स थे लास्ट वीक के वो थे 2.1 मिलियन प्लस ट एंगल की बर्थडे सेलिब्रेशन भी थी इस वीक व्यरसिप थोड़ी डाउन हुई है एंड इस वीक टू पॉइंट अब ये भी ओवरनाइट नंबर ही आते हैं जैसे मैंने अभी बताया किस के फाइनल टू पॉइंट थ्री थे तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो टू पॉइंट जीरो इस हफ्ते के हैं तो लगभग आप मान के चलो कि टू पॉइंट या टू पॉइंट टू मिलियन तक इजिली तो स्मैकडाउन फाइनल नंबर्स में क्रॉ करेगी ही करेगी तो यह व्यवस्थि कैसी लगी क्या सही है सो डिजर्विंग था इतना कमेंट करके बताना या फिर व्यरसिप और आनी चाहिए थी वो आप लिख के बता सकते हो देखो व्यरसिप बढ़ेगी तो बढ़ेगी साल के आखिरी स्मैकडाउन की जहां पे की सीना मैच लड़ने आने वाले उसकी व्ययसिप बढ़ेगी मतलब कम बात नहीं है कि जॉन सीना टेलीविजन पर रर्सल करें यूजली पेपर व्यू व्यूपर करनी भी बहुत बड़ी बात है जॉन सीना के लिए अब तो लेकिन टेलीविजन पे रसल कर रहे हैं तो सही में भाई व्यवरसिप तो बढ़नी चाहिए मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट थ्री मिलियन तो जाए बाकी आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की बात करते हैं जो कि है बो डायलस को लेके बो डायलिस ट्रेंड कर रहे हैं काफी काफी ज्यादा वो भी काफी मतलब बड़े अमाउंट से ट्रेंड कर रहे हैं क्यों ट्रेंड कर रहे हैं भाई रीजन है अंकल हाउडी कल स्मैकडाउन के अंदर अंकल हाउडी जो है फिजिकली अपेयर होते हैं एंड क्या अपेयरेंस थी चिल्स आ गए भाई लोगों के लिए बोन चिलिंग अपेयरेंस थी वो एंड उसके बाद से जो है बोर्ड एलेस ट्रेंड कर रहे हैं अब मतलब आप समझ गए हो गए क्यों ट्रेंड कर रहे हैं लोग कनेक्ट कर रहे हैं अंकल हाउडी को बोड एलेस से एक बार मैंने आपको चैनल पर अपडेट बताई थी अगर आप लोग चैनल पर एक्टिव व्यूअर हो तो आपको अच्छे से ये चीज याद आ जाएगी अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको बताया था कि अंकल हाउडी के जो है कान में एक इयर देखने को मिलती है क्रॉस साइन वाली एंड ये क्रॉस साइन वाली जो इयर थी वो बो डायलिस के पास भी थी तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है तो ऐसे में लोगों का मानना है कि बो डाइलिसस ही है वो अंकल हाउडी तो इसीलिए बो डायलिसस ट्रेंड हो रहे थे जब अंकल हाउडी फिजिकली अपियर हुए मुझे भी लगता है कि बो डायलिसस ही होंगे बट एक डाउट सिर्फ मेरे अंदर वो यही है और वो ये है कि भाई अंकल हाउडी का कैरेक्टर है वो कैसा है वो लाइक ब्रे वाइट के अंकल हैं बट यहाँ पर तो भाई बो डैलेस रियल लाइफ में उम्र में छोटे तो ये चीज़ काफ़ी अलग अजीब नहीं हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है बाकी स्टोरी के अंदर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर भी भाई बोर्ड वगैरह ट्रेंड कर रहे हैं लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, है टॉप डोला का गजब का ही बॉच देखने को मिला भाई एंड स्मैकडाउन में वो बेसिकली डाइव लगा रहे थे टॉप पे से लेकिन गजब की बॉच एंडिंग थी उस टाइप की बीच में गिर गए काफी मजाक बनाया फैंस ने उस चीज का एंड मजाक बनाने

यू ऑल डोंट केयर डो तो यहाँ पे जो है बेसिकली टॉप डॉलर एक वीडियो शेयर करते हैं अपनी ट्रेनिंग वीडियो है या फिर पता नहीं रेसलिंग की वीडियो है, की है। पे कि वो सेम टॉप डाइव लगाते हैं एंड काफी सक्सेसफुली वो उस टॉप डाइव को एग्जीक्यूट करते हैं तो टॉप डॉला कहते हैं कि अभी जो मेरी करंट ये है मतलब अभी जितना मैं करंट वे करता हूँ अभी जो मेरी करंट वेट है मैं उससे पचास पाउंड ज्यादा हैवी था इस टाइम पर जब मैंने ये डाइव लगाई है तो उस टाइम में जब यह डाइव सही लगा सकता हूँ तो अभी क्यों नहीं लगा सकता हूँ अभी भी लगा सकता हूँ बट दिक्कत है कि लाइव टेलीविजन पर मेरे पैरों में कुछ दिक्कत आ गई एंड तुम लोगों के जोक्स काफी फनी है सही है बट मुझे झूठा कहना कि ये बंदा फिजिकली अपी मतलब फिजिकली जो है ज़्यादा टास्क नहीं कर सकता ये सिर्फ बातें करता है बड़ी बड़ी ये चीज़ गलत है ये कहते हैं कि तुम लोग की मेरी चिंता नहीं है बस ये मुझे समझ आ गया ऐसा कहते हैं टॉप डॉला तो काफी डिसअपॉइंटेड दिखते हैं अब देखो भाई सीधी बातें फैंस तो गलती आप पकड़ते ही हैं जब उनके पास ऑप्शन है इतने सारे कि वो किसी को भी देख सकें देन वाई दे विल वॉच यू अगर आप ऐसे ही वॉच करो ऐसे ही इस वजह से ए डब्लू नहीं देखते हैं लोग उनके पास डब्ल्यू डब्ल्यू में कितने ऑप्शन ए में बॉच पे बॉच होते हैं लोगों ने ए डब्ल्यू देखना छोड़ दिया है तो सिंपल बात है बट टॉप डॉलर की भी बात गलत नहीं है कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्टोरी की बात करते हैं जो कि विंस मैकमैन के हॉल ऑफ फेम स्टेटस को लेके विंस मैकमैन का हॉल ऑफ फेम स्टेटस क्या कहता है भाई क्या विंस मैकमैन हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे इसके ऊपर जेरो न्यूज़ की रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू जेरो न्यूज विंस मैकमैन मैन में स्टिल एंड अप इन द डब्ल्यू डब्ल्यू हॉल ऑफ फेम दिस कमिंग ईयर बट टोल डिस्कशन ऑन इट हैव सम क्वाइट एज ऑफ लेट आफ्टर द रिसेंट न्यू हैव कम आउट तो यहाँ पे कहना है भाई जेरो न्यूज़ का कि विंस मैकमैन प्रोबेबली अभी भी इंडक्ट हो सकते हैं हॉल ऑफ फेम में बट अभी रिसेंटली में डब्ल्यू डब्ल्यू ने इसकी बात करनी छोड़ दी है डब्ल्यू डब्ल्यू बात ही नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई उनको इंडक्ट करना है या फिर नहीं करना है एंड सन मैंने अपने मन से भी कुछ वर्ड्स वगैरह बना के ऐड कर दिए क्या इसमें यहाँ पे जो है कहना ड़्ड़ ड़्ड़ वाले इसको पर बात नहीं कर रहे हैं अभी रिसेंट में और लग थे। में पैन तो पता नहीं करेगी या फिर नहीं थोड़े डाउट्स हैं बाकी बात करते हैं आखिरी स्टोरी की तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू की एक चैंपियनशिप हो चुकी है चोरी गुम हो चुकी है गायब हो चुकी है यह है डब्ल्यू डब्ल्यू गोल्डन बेल्ट जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने इनको गिफ्ट करी थी स्नूप डॉग को एंड स्नूप डॉग जो है इसको अपने टूर पे लेके गए थे एंड वहां से सिर्फ गायब हो गई आप देख सकते हो डब्ल्यू डब्ल्यू का ऑफिशियल ट्वीट स्नूप डॉग ब्रॉट गोल्डन टाइटल ऑन टूर एंड नाउ इट्स मिसिंग इफ टाइटलडी सीज इट लेट अस अब्ल्यू डब्लू का ट्वीट है कहना है कि स्नूप डॉग डब्ल्यू डब्लू गोल्ड टाइटल जो है अपने टूर पर लेके गए थे एंड वो अब गुम हो चुकी है अगर किसी को मिले तो बताना हमें एंड जहां तक मुझे लगता है कि यह स्टोरी है डब्ल्यू डब्ल्यू किसी तरीके की स्टोरी प्लान कर रही है स्नूप डॉग के अरसल में एंगल के लिए तभी उनको डब्ल्यू डब्ल्यू गोल्डन टाइटल दी भी थी नव लेट सी क्या होता है भाई फिलहाल के हिसाब से डब्बू डब्ल्यू गोल्डन टाइटल चोरी हो चुकी है गायब हो चुकी है गुम हो चुकी है आपको क्या लगता है क्या यह स्टोरी है या फिर रियल है कॉमेंट करके बताना फिलहाल तो मैं फिफ्टी फिफ्टी में हूँ फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स थी आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं साथ में कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब आने वाले टाइम में अ डब्ल्यू डब्ल्यू अपडेट्स पाने के लिए एंड फॉलो कर लेना मुझे इंस्टा और ट्विटर दोनों पे दोनों के लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट अफेयर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में